हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक ही होंगे। आज हम बनाने वाले हैं मैगी। चलिए तैयारी कर लेते हूँ। कैसे बनाऊँगी मैं मैगी? ये मैंने एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, एक शिमला मिर्च लिया है। धुल के अभी काट लेती हूँ बिल्कुल बारीक बारीक अच्छे से। सो गाइस, आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो कमेंट करके बताना ज़रूर। देखिए, प्याज को मैं ऐसे कट कर रही हूँ बीच में से दो तीन हिस्से करके, ताकि बारीक बारीक कट जाएगी और जल्दी गल भी जाएगी। मैं ये लोहे का चाकू है मेरे पास में, मैं यही वाला यूज करती हूँ और मैं दूसरे वाला यूज नहीं करती, क्योंकि उससे मेरे से कटता नहीं। इसमें उंगली कटने का, हाथ कटने का, अंगूठा कटने का बहुत डर होता है। मैं ना टमाटर को भी ऐसे बीच में से कट करके और फिर बिल्कुल बारीक बारीक काटूंगी काट रही हूँ। और ऐसे ही मैं अपनी शिमला मिर्च को काट लूँगी बिल्कुल छोटे छोटे। ये छोटे छोटे काटने के बाद में ना जल्दी गल जाते हैं। और मैंने मैगी बनाऊँगी ना तो मैगी के लिए काफ़ी अच्छा होगा ये छोटा छोटा टुकड़ा। और इसको ना ज़्यादा नहीं गलाना है मेरे को, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खड़ा रखना है ताकि मैगी में दिखे, अच्छा लगे। मैं मैगी को बिल्कुल सूखा भी नहीं बनाऊँगी, गीला गीला ही बनाऊँगी ताकि खाने में भी अच्छा टेस्टी हो। अभी आ गई है शिमला मिर्च की बारी। अभी शिमला मिर्च मैंने दो टुकड़े पहले से कट करके रखे थे, अलग से शिमला मिर्च थी उससे कट कर लेती हूँ। और ये इसको बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया, एक प्याज, एक टमाटर। मैंने कढ़ाई रख ली है छोटी सी, मैं कढ़ाई में बनाऊँगी, ज़्यादातर कढ़ाई में बनाती हूँ मैं। इसमें मैंने डाल लिया है जीरा, जीरे को थोड़ा सा भुनने देती हूँ, फिर डालूँगी इसमें मैं प्याज। जीरा भुनता है, ये मैंने लाइट जलानी भूल गई थी इसलिए मैंने लाइट जलाई। देखिए मेरी शिमला मिर्च और ये दोनों एक एक थे, ये मेरी भुन गई है। अभी मैं डाल देती हूँ प्याज इसमें कटी हुई। अभी इसको भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल खड़ा खड़ा रखूँगी, क्योंकि सब्ज़ी के लिए तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा भून ले और मैगी के लिए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए खड़ा खड़ा ही होता है। जैसे मैगी हो गई, चाउमीन हो गए, ज़्यादा भी मिर्ची नहीं डालूँगी क्योंकि मेरी गुड़िया खाए बिना रहती नहीं है। सबसे पहले ना, जब भी हम कोई हरी सब्ज़ी वगैरह डालें ना, तो हमें टमाटर को ना लास्ट में डालना चाहिए, ताकि टमाटर में ना खट्टापन होता है। खट्टेपन की वजह से ना हमारी हरी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी होती ना, वो बिल्कुल भी नहीं गलती जल्दी सी, पकती नहीं है जल्दी। इसलिए मैंने प्याज के बाद में ना ये डाल दिए शिमला मिर्च। अभी डालूँगी मैं इसमें टमाटर कटे हुए, ये हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी पक गई है। अभी इसमें डाल लेती हूँ मैं टमाटर कटा हुआ, और इसको भी मैं थोड़े थोड़े देर तक भूनूंगी। और फिर तब तक मैं, मेरी वो थोड़ी सी भुन जाती है तब तक मैं अपने मैगी के दो पैकेट लिए हैं मैंने, 10-10, 12-12 रुपए के हैं ये, एकदम डाल देती हूँ मैं टमाटर। अभी टमाटर को अच्छे से चला देती हूँ। ये देखिए ऐसे दिख रहा है, अच्छा, काफ़ी अच्छा दिख रहा है खाने में। फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनी थी हमारी मैगी। अभी मैं इसको खोल लेती हूँ दोनों पैकेट को अच्छे से, और इसमें मसाला आता है, मसाले को भी अलग कर लूँगी मैं। इसी जिस प्लेट में मैंने शिमला मिर्च काटी थी ना, उसी में निकाल लिया है। और ये मेरी मसाले की पुड़िया है, देखिए। अभी दूसरी को भी मैं खोल लेती हूँ, जब तक मेरे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च से ना अच्छे से पक जाएंगे, मतलब ज़्यादा तो नहीं पकेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आधे आधे हो जाएंगे। पहले इसको मैं तोड़ लेती हूँ। ये दो मेरी गुड़िया ने उठा ली थी दोनों पैकेट, बाद में उसने वापस रख दी। देखिए भुन गई है मेरी,
प्याज टमाटर और शिमला मिर्च भुन गई है, अभी डाल देती हूँ इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाली, क्योंकि ये मिर्च है ना बिल्कुल भी तीखी नहीं थी, बिल्कुल भी डाल के देखा बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया। और इसमें हल्दी वगैरह धनिया है सब कुछ डाल दिया। अभी डाल देती हूँ इसमें 2 गिलास पानी के, 2 गिलास के आसपास पानी डाल दूँगी और इसको अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ। और ये जो हम मसाला था, जो छोटे छोटे पाउच आते हैं ना मसाले के, उनको मैं खोल के ये मैंने देखे तोड़ ली है, मेरी जो मैंने जो निकाली थी ना, क्या बोलते हैं उसको, मैगी को मैंने बीच में से ना टुकड़ों में तोड़ लिया है, ताकि ना बहुत प्रॉब्लम होती है जब इसको डालते हैं तब बहुत बड़ी बड़ी निकलती, इसलिए मैंने छोटी छोटी तोड़ ली है, फिर भी बहुत लंबी लंबी निकली थी। अभी मैं इनके पैकेट को ना फाड़ लेती हूँ, जो पाउच है छोटे छोटे इनके मसाले को डाल दूँगी। अभी ये मैं फ़ोन रख के भूल गई थी यहाँ पे, मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग बंद है और ये रिकॉर्डिंग चालू रह गई, पता नहीं कितनी देर तक, थोड़ी ज़्यादा तो नहीं, ये थोड़ी बहुत हुई थी, पर बस ये था कि कुछ और नहीं दिखा, पर काफ़ी काफ़ी ठीक थी मेरी, ये दिख गई कि आप लोगों को भी पता चल गया कि मैंने टुकड़ों में तोड़ा हुआ था अच्छे से इसको। और ये मेरी देखिए पानी, ये कढ़ाई का जो मसाला था ये अच्छे से बॉयल हो गया। अब इसमें डाल देती हूँ मसाला, मैंने नमक डाला इसमें, मसाला बाद में डालूँगी। ये रहा मसाला, सो गाइस मैंने इसमें मसाला डाल रही हूँ दोनों में से, इसका ना ये छोटे छोटे पाउच है ना निकलते नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मुश्किल होता है निकालना इसको। ये दूसरा पुड़िया है पैकेट है पाउच है जो भी है, दूसरी में से भी निकाल लेती हूँ और इसमें डाल लेती हूँ, तब तक इसको ना गर्म करती हूँ, अच्छे से बॉयल हो जाएगा ना, उसके बाद में इसमें मैगी डाल दूँगी। देखिए मिक्स कर दिया मैंने इसको, ये देखिए बॉयल हो गए काफ़ी अच्छे से। और ये मेरी मैगी, अभी मैं डाल देती हूँ मेरी मैगी। और फ्रेंड्स बहुत ही बहुत टेस्टी बनी थी मेरी मैगी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, कोई मटर वटर कुछ नहीं थे, बस एकदम नॉर्मल, बस इसमें एक एक्स्ट्रा बस शिमला मिर्च डाली थी और कुछ मिलाया मैंने। हर आधे मिनट बाद या 1 मिनट बाद इसको फिर से चेक कर लेती हूँ, लूँगी मैं। ये मैंने इसमें पूरे में मिक्स कर दिया है, अभी 1 मिनट बाद इसको फिर से चला दूँगी मैं। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, मुँह में भी पानी आ गया फिर से देखने में। 1 मिनट बाद देखिए मैंने, 1 मिनट बाद ऐसी दिख रही है, अभी फिर से 1 मिनट बाद देखा है, मतलब उस 1 मिनट के बाद में देखा है मैंने। तो देखिए कितनी अच्छी बन गई रस वाली, एक मन कर रहा था बस ऐसे ही रख लूँ, फिर सोचा नहीं थोड़ा सा और सुखा देती हूँ पानी को। तो गाइस ये देखिए मेरी फाइनली बन गई है मेरी मैगी, मेरे को ऐसी मैगी पसंद है, हम खाते नहीं हैं ज़्यादा।